सिंधी महिला मंडल की महिला सखियों ने मनाया वर्ल्ड सिंधी पकौड़ा डे। मारुति स्टेट चौराहा शनिदेव मंदिर के पास में लगाई साईं झूलेलाल जी को भोग लगाने के बाद सैकड़ों राहगीरों में वितरित किए गए पकौड़े। 12 विभिन्न प्रकार के पकौड़ों का वितरण कर गरीबों के साथ साझा की खुशियां। रोशनी कुकरेजा और चांदनी भोजवानी ने बताया कि मानवता के नाते आम लोगों के बीच आकर मनाया त्योहार। महिला सखियों ने कहा, नेक काम करने से मिलती है मन की शांति और सुकून। हर तरह के पकौड़े बनाए गए हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। इसका अपने मिलके यहाँ पे अपने घरों से पकौड़े बनाकर लाए हैं और सबको प्रसाद के रूप में वितरित कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा सिंधियों की जो मुख्य भाषा है सिंधी बोली, तो उसमें हम सिंधियों के फेमस पकौड़े बनाए जाते हैं। इसलिए आज कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाया, हमारे गुरुद्वारे की तरफ से प्रोग्राम हुआ है और श्याम भोजवानी जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाया और हम सबको एकत्रित किया है। खुशी के लिए मनाया जाता है। आज हमने प्याज के, मिर्च के, आलू के, गोभी के, पालक के, पनीर के, मिक्स आलू बटाटा बड़ा बनाया है, सब कुछ बनाया है, सारों में बांटा जा रहा है।